A very good morning. Hello student. I'm your teacher Ms. Gunjan Verma from Sanskriti Gurukulam School. How are the students? I hope you all are fine. Today I'm teaching you English. Now I'm going to take up chapter 1. Thank you God. Chapter 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Okay, समझ भी चुके हैं. आज हम इसकी comprehensive skill और word power करेंगे. Okay. तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्किल में क्या दिया है, टेक द करेक्ट ऑप्शन और कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम, और वर्ड पावर में दिया है मैच द राइमिंग वर्ड्स और कंप्लीट द वर्ड्स. ओके, तो आपको ये बुक में ही फिल करना है. मैं समझाऊंगी, आप समझेंगे, उसके बाद फिल करेंगे. ओके, तो फर्स्ट लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, तो ए पे दिया है टेक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट पे क्या लिखा है, द पोएट थैंक टू, ए पे दिया है गॉड, बी पे दिया टीचर. तो पोएट थैंक किसका कर रहा है पोयम में, गॉड का. यस, जीओडी गॉड का, तो गॉड पे टिक लगाना है. सेकंड पे लिखा है द पोएट थैंक गॉड फॉर द टॉयज और फूड, टॉयज के लिए थैंक कर रहा है या फूड के लिए, पोयम में फूड के लिए, एफ डबल ओ डी फूड, फूड के लिए थैंक कर रहे हैं ना. थर्ड पे लिखा है गॉड हैज मेड दिस वर्ल्ड या बिल्डिंग, वर्ल्ड बनाया गॉड ने या बिल्डिंग, वर्ल्ड बनाया है ना, डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड है ना. फोर्थ पे लिखा है गॉड सेंड हिज ब्लेसिंग या एंगर, गॉड अपनी ब्लेसिंग देता है या गुस्सा देता है, तो ब्लेस देता है ना, तो ब्लेस पे बी एल आई डबल एस ब्लेस पे टिक करना है. ओके, उसके बाद दिया है आपको कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम. ओके, तो आपने पोयम पढ़ी होगी, लर्न भी की होगी, तो कंप्लीट करना है आपको, यहीं लिखना है. ओके, फर्स्ट पे लिखा है थैंक यू गॉड, तो फर्स्ट लाइन क्या थी पोयम की, फॉर द वर्ल्ड यू मेड. सेकंड लिखा है थैंक यू गॉड, थैंक यू सेकंड का एक लिख किया था उसने, फॉर द फूड यू फीड. फिर थर्ड लाइन क्या लिखी थी, थैंक यू गॉड फॉर द लाइफ यू लैंड, और फोर्थ थैंक यू का था, थैंक यू गॉड फॉर द ब्लेस यू सेंड. ओके, तो आपको पोयम में से देख के ये लाइन कंप्लीट करनी है. ओके, नेक्स्ट आपका दिया है वर्ड पावर. ओके, इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स मैच करने हैं. राइमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं, मिले जुले शब्द. जैसे फर्स्ट लिखा है गॉड, तो वो लिखा है बी के सी पे लॉर्ड, गॉड लॉर्ड. ओके, ए पे क्या, सेकंड लिखा है लाइफ, तो वो जाएगा बी के डी पे वाइफ, लाइफ वाइफ. ओके, ए के थर्ड पे लिखा है लैंड, तो वो जाएगा बी के ई पे सैंड, लैंड सैंड. ओके, ए के फोर्थ पे लिखा है फीड, हो जाएगा बी के ए पे नीड, फीड नीड. ओके, ए के फिफ्थ पे लिखा है थैंक्स, हो जाएगा बी के बी पे रैंक, थैंक रैंक. क्या बन गया, गॉड लॉर्ड लाइफ वाइफ लैंड सैंड फीड नीड थैंक रैंक. ओके, तो आपको ये मैचिंग भी करनी है. फिर आपको दिया कंप्लीट द वर्ड्स, ये आपको वर्ड्स दिए हैं, ये आपकी पोएम में आए हैं, तो आपको इन्हें कंप्लीट करना है. फर्स्ट पे लिखा है टी, ब्लैंक लिखा है, ए लिखा है, ब्लैंक लिखा था के लिखा था, तो मैंने क्या लिख दिया, एच और एन, तो क्या बन गया ये, थैंक्स, टी एच ए एन की थैंक. ओके, तो यदि आपको कभी दिया जाएगा टेस्ट या एग्ज़ाम में, तो आपको क्या दिया जाएगा, टी दिया जाएगा, ब्लैंक दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, ब्लैंक दिया जाएगा, के लिखा जाएगा, आपको वर्ड कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके पोएम में आए हैं, तो आप पोएम में से देख के कंप्लीट कर सकते हैं. फर्स्ट पे क्या लिखा है, टी एच ए एन की थैंक. सेकंड पे लिखा एम ए डी ई मेड. थर्ड पे लिखा एफ डबल ई डी फीड. फोर्थ पे लिखा एल ई एन डी लैंड. फिफ्थ पे लिखा एल आई एफ ई लाइफ. सिक्स पे लिखा एस ई एन डी सैंड. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, पोएम आपने लर्न कर ली होगी, बाकी आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्किल और वर्ड पावर भी आ गए होंगे, तो आप इसे बुक में फिल करिएगा और उसके बाद लर्न करिएगा. ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ़.